टेन ऑन टेन पेश करते हैं ताजमहल के 10 दिलचस्प तथ्य। नंबर 10, क्या आपको पता है कि ताजमहल की मीनारों का निर्माण इस तरह से किया गया है कि तेज भूकंप आने की स्थिति में ये मीनारे कभी भी बीच में मौजूद मुख्य गुंबद के ऊपर नहीं गिरेंगी बल्कि बाहर की तरफ गिरेंगी। इसकी मुख्य वजह है भूकंप की स्थिति में ताजमहल की बनावट को कम से कम क्षति पहुंचे। नंबर 9, अगर ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ना बनाया गया होता तो ताजमहल की नींव कुछ सालों में ध्वस्त हो जाती और इस अजूबे का यूं बुलंदी से खड़ा रहना मुमकिन ना हो पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजमहल की नींव में लकड़ी का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है और यमुना नदी का पानी धरती के द्वारा ताजमहल की नींव के ढांचे में मौजूद लकड़ियों को नमी प्रदान करता है और बुनियादी मजबूती देता है। लेकिन यमुना का पानी साल दर साल सूखते जा रहा है जो इस प्यार के प्रतीक के लिए खतरे की घंटी है। नंबर 8, शाहजहां ने सफेदी की शान लिया ताजमहल अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था और अपने लिए यमुना के पार एक काले रंग का ताजमहल बनवाने का सोचा था जहां उन्हें दफनाया जाता। लेकिन ये काले रंग का ताजमहल कभी बनवाया नहीं गया। सोचिए अगर ये भी बना लिया गया होता तो आज दृश्य कैसा होता। नंबर 7, ताजमहल को बनाने में दूर दराज से विशेष पत्थर लाए गए थे और इसको महंगे महंगे हीरे जवाहरात से सजाया गया था। लेकिन 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने ज्यादातर हीरे जवाहरात लूट लिए थे। ताजमहल की शान बढ़ाने के लिए तकरीबन 28 तरीके के अनमोल नग इस्तेमाल किए गए थे और पत्थरों को अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका, तिब्बत आदि देश से आयात किया गया था। नंबर 6, आप क्या ये जानते हैं कि ताजमहल का रंग दिन के समय के अनुसार हल्का हल्का बदलता रहता है। दिन में ताजमहल गुलाबी छटा लिया होता है, दोपहर में दूधिया सफेद और शाम को हल्का सुनहरा लगता है। यूं तो ताजमहल चांद की रोशनी में भी बहुत ही हसीन लगता है। नंबर 5, ताजमहल को 17वीं सदी में बनाया गया था और उस दौरान इसके निर्माण की लागत लगभग 3 करोड़ रुपए थी जो आज के समय में करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए होती। अगर आप भी अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाना चाहते हैं तो गुल्लक में रोजाना पैसे जमा करना शुरू कर दीजिए। नंबर 4, ताजमहल भारत के पर्यटन के लिए अति महत्वपूर्ण है। कई विदेशों की तमन्ना होती है अपने हम सफर के साथ एक बारी इस प्यार के प्रतीक को देखने की। ताजमहल को देखने हर साल 50 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। आप भी ताजमहल देख चुके हैं या नहीं ये हमें कमेंट में जरूर बताएगा। नंबर 3, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि असल में ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनाए जाने का विचार था। शाहजहां ताजमहल को बुरहानपुर में बनवाना चाहते थे जहां मुमताज महल का प्रसव के समय देहांत हो गया था। लेकिन बुरहानपुर में सफेद संगमरमर की आपूर्ति की किल्लत की वजह से ताजमहल बुरहानपुर की जगह आगरा में बनाने का फैसला लिया गया। नंबर 2, बुलंदी से खड़े इस विराट महल को अपना अंतिम रूप पाने के लिए करीब करीब 22 साल का लंबा वक्त लगा। ताजमहल को बनाने का कार्य 1632 में शुरू किया गया था लेकिन ताजमहल के बगीचे उस दौर में आज के मुकाबले काफी भिन्न थे। पहले यहाँ गुलाब और फलों के पेड़ पौधे हुआ करते थे लेकिन अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के बगीचे विदेशी तर्ज पर बदल दिए गए। नंबर 1, ताजमहल ना सिर्फ प्यार बल्कि कड़े परिश्रम का भी प्रतीक माना जाना चाहिए। ताजमहल को बनाने में 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया था और साथ ही 1,000 से ज्यादा हाथियों को सेवा में लगाया गया था।